हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मालवीय और आप देख रहे हैं MNS डिजिटल यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए टेक्निकल वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए मार्फो की दो बड़ी अपडेट्स, जिसमें कि आपकी जो मार्फो है आयुष्मान भारत में अगर फेचिंग बायोमेट्रिक डाटा बता रही है, जैसे कि कस्टमर का फिंगरप्रिंट अगर नहीं ले रही है, या आपकी जो मार्फो डिवाइस है आयुष्मान भारत में चल रही है डीजीपे में, अगर उसे कोई इशू आ रहा है तो आप डीजीपे में नहीं चला पा रहे हैं, तो दोस्तों मार्फो में अभी एक्चुअली नई अपडेट्स आई है जिसमें मार्फो की सेटिंग्स, दोनों सेटिंग्स चेंज हुई है, जिसमें डीजीपे के लिए या आयुष्मान भारत के लिए कौन सी सेटिंग है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दोनों सेटिंग क्लियर करके बताने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव टेस्ट करके बताने वाला हूँ, जिसमें कि हमने ट्राई करके देखा है कि जो आयुष्मान भारत है उसके लिए आपको कौन सी सेटिंग यूज़ करना है और जो डीजीपे है उसके लिए आपको कौन सी सेटिंग यूज़ करना है। दोस्तों इसमें आपको किसी भी तरह से कोई सेटिंग अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो आईडी सर्विस है जो कि आपको मार्फो के ऑफिशियली पेज से डाउनलोड करनी है वो वहीं से लेनी है। तो क्या है वो दोनों अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर आपके किसी भी तरह के कोई भी इशू हो, कोई क्वेश्चंस हो, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे चैट के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। यूज़र नेम है MNS डिजिटल। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं आपको सारी प्रोसेस लाइव करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप आयुष्मान भारत में काम करते हैं और फेचिंग बायोमेट्रिक के एरर से परेशान हो चुके हैं तो ये सेटिंग आपके लिए बहुत ही काम की है। साथ ही साथ आप अगर डीजीपे या दूसरे APS अपने सिस्टम पे चलाना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को बिल्कुल से देखिए, ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के हिसाब से आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और हाँ अपने ज़्यादा से ज़्यादा VLE भाइयों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आयुष्मान भारत में जब भी आप किसी भी हितग्राही का पंजीयन करने के लिए जाते हो तो आपकी बायोमेट्रिक यहाँ पे फेचिंग बायोमेट्रिक इन्फो प्लीज़ वेट का आपको पॉपअप शो करती है और आपका जो है बायोमेट्रिक नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इस वाली प्रॉब्लम का कम्प्लीटली सॉल्यूशन है इस वीडियो में, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल के सर्च पेज पर, यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं मार्फो आईडी। आपको कुछ भी नहीं टाइप करना है, सिंपली लिखना है मार्फो आईडी। जैसे ही आप यहाँ पे मार्फो आईडी लिखते हो तो आपके सामने यहाँ मार्फो आईडी ऑनलाइन मार्फो फिंगरप्रिंट्स आईडी सर्विस की वेबसाइट आ जाती है नंबर एक पे। आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हो दोस्तों तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरपेज ओपन हो जाता है आपके सामने। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे ही आप डाउनलोड्स पे क्लिक करते हो दोस्तों तो यहाँ पे आपके सामने 4 से 5 ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मार्फो आईडी सर्विसेज में जो अपडेट आया है, अगर आप आयुष्मान भारत में काम कर रहे हो तो आपको पता है आपको लोकल होस्ट HTTPS लोकल होस्ट पे काम करना होता है, तो आप यहाँ से आईडी सर्विस डाउनलोड करेंगे। अदरवाइज़ आप अगर डीजीपे चला रहे हो या किसी दूसरे कार्य के लिए अपनी मार्फो डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर विंडो HTTP को डाउनलोड करना है। अब कैसे करना है और ये दोनों सर्विस में क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे मार्फो की जो विंडो HTTP वाली है हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सर्विस हमारे सामने यहाँ पे डाउनलोड होने लगती है। तो ये सिंपली बहुत जल्दी क्विक डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लोकल होस्ट वाली सेटिंग है इसको भी आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों ये दोनों सर्विस को आपको अपने सिस्टम पर रन कैसे करना है, तो सबसे पहले हम अपने डाउनलोड पेज में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको शो ऑल पे क्लिक करेंगे। शो ऑल पे क्लिक करने के बाद हम शो इन फोल्डर में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे जो मार्फो की दो आईडी सर्विस यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों लोकल होस्ट ये वाली जो सेटिंग है आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो लोकल होस्ट वाली सेटिंग है इसका उपयोग आप आयुष्मान भारत के लिए करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरह का पॉपअप ओपन होगा, आपको यहाँ सिंपली ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके कर देते हो तो आपके सामने यहाँ पे ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाती है और इसका एक अलग फोल्डर बन जाता है। तो दोस्तों आप देख रहे हो ये यहाँ पे हमारे सामने कॉमन RD सेटअप HTTPS लोकल होस्ट वाली सेटिंग आ जाती है। अब आपको क्या करना है, आपके सिस्टम में जो पुरानी मार्फो RD सर्विस इंस्टॉल है उसको अनइंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे कंट्रोल पैनल CON। जैसे ही आप यहाँ पे CON टाइप करते हैं वो तो आपके सामने कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। दोस्तों ये सर्विस विंडो 10 के लिए है,
अगर आप कोई दूसरा विंडो यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने दूसरे वीडियो बना के रखे हैं पहले से, वो वीडियो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके उन वीडियो को देख के अपनी सेटिंग को सही से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाने के बाद आपको प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाना है। प्रोग्राम एंड फीचर में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मार्फो आईडी की दो सर्विसेज दिखाई देगी, आपको यहाँ पे मार्फो आईडी ड्राइवर दिखाई देगा और यूएसबी स्मार्ट दिखाई देगा, आप इन दोनों को यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे। तो हम यहाँ से इनको अनइंस्टॉल कर देते हैं, यस पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ से जो है मार्फो की दोनों आईडी सर्विस को यहाँ से रिमूव कर दिया है। इसके बाद आप इस वाले विंडो को क्लोज करेंगे, हमारे डाउनलोड वाले पेज में आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो आईडी सर्विस है हमारी कॉमन आईडी सर्विस सेटअप लोकल होस्ट वाला, ये तो दोस्तों यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप रन एज एडमिनिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रन एज एडमिनिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा जो कि सेटअप के लिए यस करना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आप यस क्लिक करेंगे, यस क्लिक करने के बाद आपका जो मार्फो आईडी सर्विस है कुछ इस तरह से आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने लगता है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप दिखाई देगा, यहाँ पे आपको आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं भी अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आगे का वीडियो आगे आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है। रीस्टार्ट के बाद हम सिंपली गूगल क्रोम ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा गूगल क्रोम ओपन हो चुका है, हम यहाँ थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने कुछ इस तरह का क्रोम डबल स्लैश सेटिंग दिखाई देगा, आपको यहाँ पे फ्लैक्स सर्च करना है। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं फ्लैक्स। तो जैसे हम यहाँ पे फ्लैक्स सर्च करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने ये अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। आपके अगर गूगल क्रोम में ये डिसेबल हो तो आप इसे यहाँ से इनेबल कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसे डिसेबल से इनेबल करोगे तो आपको यहाँ पर रिलॉन्च का ऑप्शन दिखाई देगा। इस रिलॉन्च वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो गूगल क्रोम है दोबारा से यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपकी जो आयुष्मान भारत की साइट है इसे ओपन कर लेना है। आप यहाँ सर्च बॉक्स में PMJYCSC टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ आयुष्मान भारत की ऑफिशियली वेबसाइट आ जाएगी। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप उस लिंक पे क्लिक करके भी आप PMJY की ऑफिशियली वेबसाइट पे आ सकते हो। तो दोस्तों हम सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है। हम यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल लेते हैं और साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करते हैं हमारा आयुष्मान भारत का पोर्टल यहाँ पे लॉगिन के लिए रेडी हो जाता है। हम यहाँ कन्फर्म CSC आईडी एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देख रहे हो आप यहाँ पे हमारा बायोमेट्रिक डिटेक्ट कर रहा है, आपको यहाँ पे कुछ सेकंड का वेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं अपना डिवाइस प्लगइन करना भूल गया था, अब मैंने अपना डिवाइस प्लगइन किया है। तो जैसे ही आप डिवाइस प्लगइन करोगे आपके सामने यहाँ पे टेम्पररी फ्रॉम सर्वर चेक सक्सेसफुली का पॉपअप दिखाई देगा, आपको इस वाले पॉपअप को ओके करना है। आप जैसे ही ओके करते हो उसके बाद आपको यहाँ पे रीस्कैन पे क्लिक कर लेना है। तो हम यहाँ पे रीस्कैन पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही देख रहे हो आप हमने रीस्कैन पे क्लिक किया है तो ये हमारे सामने काइंडली प्रोवाइड योर कंसेंट प्रोसीड विथ ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट का पॉपअप यहाँ पे दिखाई देने लगा। हम इस वाले चेकबॉक्स को चेकमार्क करेंगे और स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करके अपनी फिंगर को बायोमेट्रिक डिवाइस पे रख देंगे फिंगरप्रिंट्स के लिए। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो आयुष्मान भारत का पोर्टल यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है। यहाँ से जो भी आपका बेनिफिशियरी है उसको सर्च करना है। तो हम यहाँ समग्र स्टेट से सर्च करेंगे, चूंकि मैं MP से हूँ फ्रेंड्स तो यहाँ मैं समग्र स्टेट से इजिली सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम समग्र आईडी डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह हमारे सामने नाम की लिस्ट आ जाती है, हमको किसी भी एक मेंबर की यहाँ से KYC करना है। हम KYC कलेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट टाइप में आप फैमिली सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे परमिशन को अलाउ करेंगे, एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे सेलेक्ट आधार ऑथेंटिकेशन टाइप का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ पे जैसे ही मोड सेलेक्ट करेंगे फिंगरप्रिंट्स तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपकी मार्फो स्मार्ट चीफ आ चुकी है। तो दोस्तों आपकी यहाँ पे मशीन आ चुकी है, आप यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर डाल के कैप्चर बायोमेट्रिक करके उसका आयुष्मान कार्ड इजीली बना पाएंगे। तो दोस्तों इस वाली प्रोसेस से अगर आपका सॉल्यूशन हो जाता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाइए अगर आपका मार्फो की सेटिंग इस वाली
प्रोसेस से हो जाती है तो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वाली प्रोसेस से आपकी जो मॉर्फो डिवाइस है वो आयुष्मान भारत में बढ़िया तरीके से काम करेगी। अगर आप दूसरे किसी APS वगैरह में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको सारी सेटिंग्स बता दी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल में आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।